हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आईपीएल 2021 के कंक्लूड होने के बाद अब आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन हम सभी लोगों को देखने को मिलने वाला है। और मेगा ऑक्शन के रूल्स के हिसाब से बीसीसीआई के द्वारा हर एक टीम सिर्फ 3 ही प्लेयर्स को रिटेन कर पाएगी और मैक्सिमम एक प्लेयर के ऊपर ही आप लोग आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर पाओगे। और इसी लिमिटेशन के चलते हुए अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से आप लोगों को आंड्रे रसेल इस बार रिलीज होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ ही ऑलरेडी 3 ऐसी टीमें हैं जिन्होंने आंड्रे रसेल को अपनी टीम में आने का ऑफर दे दिया। कौन है ये 3 टीमें और कितने पैसों में इन टीमों ने रसेल को अपनी टीम में आने का ऑफर दिया है, यही सब बातें आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आईपीएल 2020 और आईपीएल 2021 दोनों ही सालों में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की साइड से आंड्रे रसेल, जो कि एक टाइम पर इनके सबसे बड़े मैच विनर हुआ करते थे, उनका परफॉर्मेंस हमें अप टू द मार्क देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। क्योंकि आंड्रे रसेल जिस टीम के लिए केकेआर की टीम में रखे गए थे, वो चीज़ थी कि इनकी सबसे पहले बैटिंग में अनरियल हिटिंग एबिलिटी, यानी कि 18 गेंदों पर आपको 40 रन चाहिए तो आंड्रे रसेल वो करके दे सकते हैं, 18 गेंदों पर 50 रन चाहिए तो रसेल वो भी करके दे सकते हैं। कितने मुकाबले इन्होंने केकेआर को जिताए, लेकिन लास्ट के 2 साल में रसेल का बल्ला बिल्कुल भी नहीं बोला। लेकिन उससे ज्यादा जो चीज इनके अगेंस्ट में चली गई वो ये थी कि ये बॉलिंग भी नहीं कर पा रहे थे। और आंड्रे रसेल को हमने देखा लास्ट के 2 सालों में बॉलिंग की वजह से काफी ज्यादा इश्यूज हुए, उनको काफी ज्यादा इंजरीज भी फेस करनी पड़ी। और हालत तो यहां तक आ गई कि आंड्रे रसेल की खराब फॉर्म के चलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इनको टीम से परमानेंट ड्रॉप ही कर दिया। और इवन आईपीएल के फाइनल मुकाबले में भी, जो कि शायद आंड्रे रसेल अगर वहां पर होते तो मैच पलटा जा सकता था, उसकी पॉसिबिलिटी थी, उस मुकाबले तक में आंड्रे रसेल को टीम में जगह नहीं दी गई। अब क्योंकि इस बार हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा और केकेआर की टीम सिर्फ 3 ही प्लेयर्स को रिटेन कर पाएगी, और जिस तरीके से भारतीय यंग प्लेयर्स ने केकेआर की साइड से परफॉर्मेंस किया है, जैसे कि वरुण चक्रवर्ती, उनके साथ ही राहुल त्रिपाठी, वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल, बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स स्टेप अप करके आ चुके हैं, जो कि अगर नीलामी में जाते हैं तो बहुत बड़ी बिड बनकर सामने आ सकते हैं और केकेआर की टीम मोस्ट प्रोबेबली उनको रिटेन नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में अब आंड्रे रसेल का केकेआर की टीम से पत्ता साफ होते हुए नजर आ रहा है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को आंड्रे रसेल नीलामी में जाते हुए नजर आएंगे। अब गाइज, अगर बात की जाए नीलामी से पहले ही कौन सी 3 ऐसी टीमें हैं जिन्होंने आंड्रे रसेल को अपनी टीम में आने के लिए ऑफर दे दिया है, तो यहां पर कल ही इनसाइड स्पोर्ट्स के हवाले से एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि 3 ऐसी टीमें हैं जो कि रसेल को किसी भी कीमत में अपनी टीम में लेना चाहती हैं। बल्कि इनमें से एक टीम तो ऐसी भी है जो कि आंड्रे रसेल को ऑक्शन में भेजना ही नहीं चाहती, वो डायरेक्टली इनको पहले ही ट्रेड करना चाहते हैं, जो कि ऑफ सीजन ट्रेडिंग प्रोसेस होती है। इसमें सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है पंजाब किंग्स की टीम का। पंजाब की टीम के पास इस तरीके का कोई भी ऑलराउंडर नहीं है जो कि आंड्रे रसेल के जैसा हो, तो रसेल को मेगा ऑक्शन में जाने से पहले ही खरीदना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर नाम निकल कर आता है राजस्थान रॉयल्स की टीम का। और आरआर की टीम की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्होंने बेन स्टोक्स के ऊपर खर्च किए, लेकिन स्टोक्स की प्रॉब्लम ये है कि वो बॉलिंग नहीं करते हैं आईपीएल में, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार बेन स्टोक्स भी आप लोगों को रिलीज होते हुए नजर आएंगे अपने प्राइस टैग की वजह से। तो उनकी पोजीशन पर राजस्थान रॉयल्स की टीम कंसिडर करने वाली है आंड्रे रसेल को अपनी टीम में लेने के लिए, पूरी तरीके से तैयारियां कर चुके हैं। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर नाम निकल कर आता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का। आरसीबी की टीम की बात भी की जाए तो इनकी जो बैटिंग यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट है इनके टॉप और मिडिल ऑर्डर पर, लेकिन जैसे ही नंबर 5 से नीचे को आते हैं वहाँ पर आरसीबी के पास बिल्कुल भी कोई बैटिंग नहीं होती। वॉशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, डेनियल क्रिश्चियन, कोई भी इनका बल्लेबाज वहाँ पर चलता नहीं है, तो आंड्रे रसेल आरसीबी की टीम के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आने वाले हैं मेगा ऑक्शन में। कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से क्या कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को आंड्रे रसेल को रिलीज करना चाहिए, और अगर ये इनको रिलीज करते हैं तो फिर कौन सी आईपीएल टीम में आप लोग आंड्रे रसेल को मेगा ऑक्शन के बाद खेलते हुए देखना चाहोगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।